जर्मन गाड़ियों के साथ साथ हमारी जो मोबाइल चल रही है। हाँ जी। अच्छा जी, जर्मन गाड़ियाँ। आओ जी देखिए। और इधर अच्छा मजे की बात यह है कि ई क्लास, अब ये 2000 मॉडल अपनी जो है, मैं अभी देख लेता हूँ क्या मॉडल है जी, 2007 की ई क्लास है। ये बड़ी हद होगी आज तो, मेरा ख्याल होगी 40-45 लाख रुपए। ठीक है, इतने की आती है किया पिकांटो। हाँ, किया पिकांटो बिल्कुल ऐसी। तो अभी इसकी 35,000 चली हुई, बट ऑब्वियसली खड़े खड़े टाइम के साथ काम शाम निकल आते हैं, तो इसके सस्पेंशन का काम होना है, बैटरियाँ डलनी है, और क्या क्या था जी, वाइपर है, ऑयल्स वगैरह चेंज होने हैं। तो अगर इसको 0-0 करना हो तो हमारा, मेरा ख्याल है 6 लाख रुपए लगेगा। हाँ, अगर बिल्कुल 0-0 जैसी आई थी कंपनी से, 6 लाख लगा दे, अगले 6 साल स्पॉन्सर लगा रहे हैं। अच्छा, लोग ये बड़ा कहते हैं कि जी मैंने, हमने रमजान में मर्सिडीज सीरीज की है ना, तो लोगों ने कहा है कि जी रोल गए ये वो, अभी मैं उनको रिजल्ट दिखाऊंगा, मर्सिडीज दोनों रेडी हो गई हुई है, बस एक का पंप रह गया, जिंदगी सुकून में, उसके बाद जिंदगी जो सुकून में उसको दिखाएंगे लोगों को। मैं समझूंगा कि होंडा 1 करोड़ के लेने से बेहतर है उससे, एसएस 3 गाड़ियां 1 करोड़ 12 लाख रुपए। और उसके बाद जब आप पहुंचेंगे ना लाहौर से इस्लामाबाद, तो कंधों में दर्द, मालशिया, इसकी माइलेज भी वही है, 10-12 आराम से कर जाती है। ये भी लोगों को बड़ी गलतफहमी है। अच्छा, एक तीसरी चीज बता दें, ऑयल चेंज जो है वो कहते हैं जी ये ऑयल बड़ा महंगा पड़ता है। हाँ जी, महंगा इसलिए है कि 10,000 किलोमीटर चलेगा या 1 साल है, लेकिन 30,000 में अगर 10,000 किलोमीटर आप चला रहे हैं तो कौन सा महंगा, 3 रुपए किलोमीटर तो होंडा का वही पड़ता है। कंपैरिजन करेंगे तो होंडा से 100 टाइम बेहतर है। अच्छा, इसका कंफर्ट भी इससे अच्छा है। होंडा वाले ने पढ़ के मार रहे हैं तनू, सेफ्टी है सबसे बड़ी बात है, सेफ्टी है। आजकल तो नई वाली समझ में नहीं आती, पुरानी लेके वैल्यू टू मनी भी है, कम्फर्ट भी है, और आप इंजॉय भी करते हैं। तो ये इसमें टाइम कितना लगेगा, ये सुना की जर्मन गाड़ी में बंदा फंस जाए तो लंबा हो जाता है। नहीं भजन, अभी आप देख जा रहे हैं, शाम को ले देगा, सुबह को ले देगा, डन हो जाएगी, चलेंगे। चले दी, तो अब हमने वैसे ये बहुत अच्छी है, एक वो चीज नहीं कि किया पिकांटो की प्राइस में इतना कंफर्ट, इतना लग्जरी, इतना सुकून। लोगों को समझाएगा कौन, ये तो कहते हैं, वो कहते हैं जर्मन गाड़ी ले लेते हो फिर रोलते हैं, वर्कशॉपों में आते हैं, हमारे पास हैं जितनी इसलिए वर्कशॉपों में आते हैं, ऐसे हमें कोई शौक नहीं आने का।